जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। सुबह से लेकर शाम तक की भागा दौड़ी के बाद चैन की नींद आ जाए तो ये पूरी थकान को दूर कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की नींद हर रोज एक समय के बाद अचानक टूट जाती है, जिससे वो हैरान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसे ही कुछ घटना घटित हो रही है तो हो जाए सावधान। हर रोज एक ही समय पर आँख का खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है, जिसको नजरअंदाज करना आपके लिए पड़ सकता है भारी। बताया जाता है कि रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीजें हैं उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात को सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है तो हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी न होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई न कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे आखिर तक देखिए और जान जाइए इसके पीछे की वजह क्या है। नंबर 1 पर बात करते हैं, रात को 9 से 11 के बीच नींद का टूटना। यदि आपकी नींद रोज रात को 9 से 11 के बीच खुल जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती है तो वो व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और उस मसले पर जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। इसलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। नंबर 2 पर बात करते हैं, रात 11 से 1 बजे के बीच आँख के खुलने की। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीजों को निकाल दें। ये समस्याएं आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं, रात 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलने की। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। नंबर 4 पर बात करते हैं, अगर आपकी नींद रात को 1 से 3 बजे के बीच खुलती है। रात को 1 से 3 बजे के बीच अचानक आंखें खुलें तो ये व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नंबर 5 पर बात करते हैं, रात को 3 बजे आंखें खुलने की। यदि आपकी नींद 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है तो इसका मतलब ये है कि सृष्टि व दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं जो कि आपको मिलनी है। नंबर 6 पर बात करते हैं, जब आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उठते हैं। अगर आप भी रात 3 से 5 के बीच में उठते हैं तो इसका मतलब है कि कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। नंबर 7 पर बात करते हैं उन लोगों की जिनकी नींद सुबह 5 से 7 बजे के बीच खुलती है। यदि आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच जागते हैं तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत कमजोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान क्रिया करनी चाहिए। इसी तरह से यदि रात 12 बजे से 1 बजे के बीच आप कोई सपने देख रहे हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये सपने 3 साल में सच हो सकते हैं। रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच देखे गए सपने के बारे में कहा जाता है कि ये सपने 1 साल में सच हो सकते हैं। बेडरूम में वास्तु दोष होने से भी नींद में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
दिशा है महत्वपूर्ण। वास्तुशास्त्र में स्थान और दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। सोने के लिए भी उचित दिशा में बेड का होना बहुत जरूरी है। ऐसा न होने से व्यक्ति की नींद में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में बेड रखने के लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा को बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व और उत्तर दिशा में खाली जगह बचती है। इस तरह का बेड न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी तिकोन आकार के बेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, तिकोन आकार वाले स्थान में भी बेड को नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष होता है। बिस्तर को रखें साफ। बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखें। गंदे बिस्तर में सोने से रात में बुरे सपने आते हैं, जिससे नींद प्रभावित होती है। वहीं बिस्तर में बहुत सारी किताबें या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप आदि न रखें। बिस्तर के नीचे भी गंदगी न रखें, इस बात का ध्यान रखें। बेड के सामने न रखें ये चीजें। बिस्तर के ठीक सामने बहुत बड़े आकार का दर्पण नहीं होना चाहिए। खासकर कपल्स बेडरूम में बेड के सामने शीशा न रखें, इससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। बेड के ठीक सामने मृत पितरों या फिर कोई हिंसक तस्वीर या पेंटिंग न लगाएं। इसी के साथ दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय तकिए का सही इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है। रात को सोते समय भूलकर भी अपना पर्स तकिए के नीचे न रखें। पर्स में धन होता है और यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ऐसे में तकिए के नीचे पर्स रखकर सोने से माँ नाराज हो सकती हैं। रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे घड़ी न रखें। अगर रखी भी हुई है तो इसे निकालकर दूसरी जगह पर रख दें। एक तरफ वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ घड़ी की तरंगे दिमाग और नींद को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें। हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ। आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन करें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य में माँ सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है, उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।